आज भी एक खातून ने एतराब किया है कि 350 लड़कियां गुज़श्ता 45 दिनों में घरों से अगवा की गई है। मैं समझता हूं आज तो हमारी गैरत का मसला है, हमारी ईमान का मसला है। वहां एक इब्ने कासिम अपनी एक बहन के पुकार पर दीबल पहुंचे, कराची पहुंचे, और यहां रोज आपके जहलम के दरिया में आपके माओ बहनों और बेटियों की दुपट्टे, उनके शहीद जवानों का खून। इसलिए हम कैसे एक दूसरे के साथ आंखें मिलाते हैं और हम कैसे जन्नत की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा शेर ख्वार बेटा आज 45 दिनों से बखुदा रोज हम इत्तलात लेते हैं गिलानी साहब और उनके दोस्तों से। माँ के सीने में जब दूध खुश्क हो जाए, खत्म हो जाए, और एक इंडियन आर्मी ने बिस्किट का डब्बा उस माँ के हाथ में तमाने की कोशिश की, उसने यही पैगाम दिया कि मुझे इज्जत की मौत कबूल है लेकिन इंडिया के साथ गुलामी की जिंदगी मुझे कबूल नहीं है। मैं उन माओ बहनों और बेटियों के सामने आज शर्मिंदा खड़ा हूं कि उस पर एक क़यामत बरपा है और हम एक एयर कंडीशन हाल में सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। इसलिए मैं इसी पर इक्तिफा करूंगा कि हमारे साथ अब टाइम कम है, शायद हालात हमें और वक्त न दे, हमें एक फैसला करना चाहिए। मैं मानता हूं जनाब वजीर खारजा ने, जनाब वजीर आजम साहब ने दुनिया के हर फोरम पर बात की, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये कमजोर का साथ नहीं देती, ये कमजोर की आवाज नहीं सुनती, ये अकमजोर के ऊपर होने वाले जुल्म को नहीं देखती। हमने बढ़ना है, अल्लाह पर एतमाद करके खुद ही बढ़ना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कल भी बाजौड़ से, मोहमन से, खैबर एजेंसी से, दरादम खेल से, वजीरिस्तान से, कुरम एजेंसी से हजारों कबाइल मुजफ्फराबाद पहुंचे थे और यही डिमांड कर रहे थे कि आप कम से कम हमें इजाजत दे दे। इन 8 लाख इंडियन आर्मी का मुकाबला हम ही कर सकते हैं। वो लोग आपके पुश पर खड़े हैं।